एक लड़की थी, कैसे बोलेंगे? देयर वॉज ए गर्ल. ओके, मेरे पास कुछ पैसे हैं. आई हैव सम मनी. मेरे पास कुछ पैसे थे. काश आई हैड सम मनी. मेरे पास पैसे होते. आई विश आई हैड मनी. काश कल मैं वहां ना गया होता. आई विश आई हैड नॉट गॉन देयर यस्टरडे. काश अभी तुम मेरे साथ होती. आई विश यू वर विद मी राइट राइट मान नाउ. लीजिए कि बारिश हो रही है और मैं कह रहा हूं काश ये बारिश रुक जाती यार. आई विश दिस रन दिस रेन वर स्टॉप वुड स्टॉप वुड स्टॉप सॉरी. या आई आई विश इट इट वुड स्टॉप रेनिंग. इट बारिश को इट कह सकते हैं. इट वुड वुड स्टॉप स्टॉप. रेनिंग, जैसे कि बारिश हो गया या सर्दी गर्मी टाइम, इसको इट से शुरू करते, पता है ना सबको, इट लगाते हैं. जैसे कि यस सर. मैं बोलूँ कि 10 बजे हैं, तुम इट से शुरू करते, इट इज 10 o'clock. इट इज वेरी आज बहुत गर्मी है, कैसे होगा? हॉट टुडे. ओके, आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूजडे. वैसे एग्जैक्ट होता है, इट इज ट्यूजडे ट्यूजडे. टुडे. इट इज ट्यूजडे बट टुडे. स्पोकन में लोग क्या करते हैं, टुडे इज ट्यूजडे कहते हैं, हालांकि कहीं से भी टुडे इज ट्यूजडे करेक्ट नहीं है. चलिए पूरा मिक्स करते हैं कि 2 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं. I have been waiting for you for 2 years. क्या तुम सुबह से कुछ कर रहे हो? Have you been working something Have you since been morning? doing something? Doing Have you something? been doing something since morning? Since morning. तुम सुबह से क्या कर रहे हो? What have you been doing since morning? क्या कल तुमने मुझे वहां देखा था? Had you seen me there yesterday? अभी यहां डेट होना चाहिए. डिड यू सी मी? Did you see me there yesterday? चलो, एक लड़की थी, There was a girl. उसका नाम रेशमा था, Her name was Reshma. वो नोएडा में रहती थी. She lived in Noida. वो नोएडा स्टेडियम जाया करती थी. She used to go to Noida Stadium. वहां एक लड़का आता था. A man used to come here. Come there. उस लड़के का नाम रोहन था. His name was Rohan. रोहन हैंडसम था. Rohan was handsome. रेशमा खूबसूरत थी. Reshma is also beautiful. वो Was भी also बहुत. beautiful. दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे. They liked each other. अगर मुझे दोनों बोलना है तो मैं कैसे करूंगा? Both of them liked Liked each other. each other. एक दिन रेशमा हमेशा की तरह पार्क गई. One day, Reshma came to park as usual. Went to park. Came to the went to Went to park. park. Went to went to. उस दिन रोहन वहां ना पहुंच सका. That day Rohan didn't came come to park. अगर ना पहुंच सका, मुझे बिल्कुल मॉडल में बोलना होगा, तो That day Rohan could not come. could not reach there, है? Could not reach reach there. there. रेशमा बैठी थी. Reshma was sitting there. वो इधर उधर इस उम्मीद में देख रही थी कि शायद रोहन वहां आएगा. She was looking here and there. Rohan might come to park. इन द होप दैट शी वॉज लुकिंग हियर एंड देयर इन द होप दैट रोहन वुड कम. क्या क्या तो लग सकता क्या बोल रहे हैं? था फॉर बांट ऑफ. अच्छा, हाँ, लेकिन फॉर वांट ऑफ तो कम ही होता है सर, उसको अच्छा. कम ही कहते हैं. जैसे कि मैं बोलूँ कि आई वेंट देयर फॉर वांट ऑफ मनी, तो मैं वहाँ, मतलब, या अच्छा. हाँ, एक बार इसको सर, उसकी चाह में फॉर बाइंड ऑफ कभी कभी चाह आता एक्चुअली मुझे ये ऐसा फ्रेज है फॉर वांट ऑफ, मुझे लग रहा है जैसे किसी चीज़ की कमी है उसके लिए है शायद.
हम ठीक ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। कोई बात नहीं, कोई बात। अब इस उम्मीद में तो हम बोलेंगे इन द होप ऑफ, यू नो, फाइन। वहां कुछ लड़के आ गए, सम बॉयज केम देयर, ओके। वो लड़के रेशमा को घूरने लगे, दे स्टार्टेड घूरना, स्टेयर, दे स्टार्टेड स्टेयरिंग रेशमा, स्टेयर के साथ एट लगाना होता है, स्टेयरिंग एट रेशमा। ओके, दे स्टार्टेड स्टेयरिंग एट रेशमा। रेशमा ने भांप लिया कि वो लड़के अच्छे नहीं थे। रेशमा अज्यूम दैट दोज आर नॉट गुड बॉय, वर लगाओ, दोज वर नॉट गुड बॉय। लेकिन रेशमा ने इग्नोर किया, बट रेशमा इग्नोर्ड दैट। उन लड़कों में से एक रेशमा की तरफ बढ़ने लगा, one of them, a boy started towards Reshma. One of them a boy नहीं कह सकते, one of those boys कह लो, one of those boy started started moving towards Reshma. Okay, Reshma समझ गई कि वो उसे छेड़ेंगे। Reshma got that boy would tease him, tease her. Okay. लेकिन उसने कुछ न कहा। But she didn't say anything. Okay. वही हुआ जिसका डर था। What happened? That was the same thing happened that she was scared of. Same thing was happened. She was scared of. Okay. Was happened तो नहीं हो सकता। The same thing happened. Okay. The same thing happened. वही हुआ। That she was scared of. जिसका उसे डर था। वो लड़का रेशमा पे comment करने लगा। Commenting on Reshma. Started commenting. बाकी लड़के लड़कों ने रेशमा को चारों तरफ से घेर लिया। And other boys घेरने का क्या होगा सर? Surrounded. And other boys surrounded रेशमा. मतलब all the covered surrounded. Surrounded. चारों तरफ से घेर लिया. Okay. रेशमा को लगा कि अब वो बच नहीं पाएगी। रेशमा थॉट दैट सी वुड नॉट रिकवर फ्रॉम द सिचुएशन। रिकवर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शी वुड नॉट गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये हो सकता है। ओके। उसने सोचा काश रोहन यहाँ होता। शी थॉट रोहन वर हियर। ओके, ठीक है। और अचानक न जाने कहां से रोहन वहां आ गया। सडनली रोहन रीच देयर। न जाने कहां से को बोलते हैं आउट ऑफ नोवेयर। ओके, आउट ऑफ नोवेयर रोहन रीच देयर। रेशमा को उस हालत में देखकर रोहन उसके पास गया। उसके बाद एक हीरो के जैसे वो उन गुंडों से लड़ने लगा। After that, like a hero, he started fighting with them. और उन गुंडों को वहां से भागना पड़ा। Then those boy started bhagna pada, had to run away from there. theek hai, ab is pe agar sawal ho ki Reshma park kyun gayi, kaise bolenge? Translate karo, Reshma park kyun gayi? Why did Reshma go to पार्क? रोहन पार्क क्यों आता था?
why does Rohan go to park? Why did Rohan go to park? क्या रेशमा को पता था कि रोहन उससे प्यार करता था? फास्ट रैपिड होना चाहिए, फास्ट. ओके, डिड रेशमा नो राहुल रोहन लव लव सर? कैसे होगा गाइस, दोनों तो पास्ट है. क्या रेशमा को पता था कि रोहन उससे प्यार करता था? सोचिए. डिड रेशमा नो राहुल यूज्ड टू लव हिम? डिड नो. डिड रेशमा नो रोहन loved her? No, love. Reshma knew, jaanti thi. Reshma knew. Lekin wo did aa gaya sir. Kya Reshma jaanti thi? Acha, did she Reshma knew? So did Reshma know? No, no. And Reshma knew, did Reshma know? Phir beech mein hum neither. Ab hai ki Rohan usse pyar karta tha, to isko pura second form mein banao. Ah. That Rohan loved her. Reshma, did Reshma know Rahul loved her? रोहन को राहुल मत कीजिए, रोहन बुरा मान जाएगा. ओके फाइन. रोहन उन गुंडों से क्यों लड़ने लगा? कैसे बोलेंगे? Why Rohan started fighting with them? Did गायब है, did गायब है. Rohan did started. Why Rohan did start fighting with them? Why did Rohan? Why did Rohan start fighting with them? ठीक है, स्टोरी तो ठीक है विशाल. स्टोरी अच्छी, थोड़ा सा इसमें कंडीशनल मैं डाल करके देखता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पैसे बचाता, कैसे होगा? सेकंड कंडीशन, सेकंड मान के चलो. ओके, इफ आई वर यू आई वुड सेव मनी. अगर मैं मुंबई में होता तो जुहू बीच पर जाता, बंदा मुंबई में है ही नहीं. If I were in Mumbai, I would go to Juhu Beach. Hey, सुनो ना, मेरे घर आओ ना प्लीज. कैसे होगा? Hey, listen to me. Would you come to my home? नहीं यार, मैं अभी आज नहीं आ सकती. I'm not free right now. I cannot come today. Hey, अगर तुम आती ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता. अब? If you came. Make tea for you. I would make tea for you. Okay fine. Hey, कल हमने बहुत मजे किए. Yesterday we had enjoyed a lot. अगर कल तुम हमारे साथ होते ना, तुम भी मजे करते. अब? If you had with us, you would have. If you had been. अगर तुम हमारे साथ होते, past. Third. Okay. If you had been with us, you would have enjoyed with us. Yes. You would have also enjoyed with us. Okay. यार कल ना बारिश हो रही थी इसलिए मैं तेरे घर आ ना सकी. Hey, yesterday was raining. It was raining, so I would not have. I couldn't come to your home. अब यहाँ पर कंडीशन है कि अगर बारिश नहीं हो रही होती तो मैं तेरे घर आ जाती. सोचो. If it was not raining yesterday, wrong. If had not raining yesterday, I would. Thama. If it had not been raining yesterday. Okay. Passive. है ना, passive कहाँ है ये? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर बारिश नहीं हो रही होती, I would have come to your house. मैं तुम्हारे घर आ जाता. I would have. अच्छा, जैसे कि अभी एक बच्चा शोर मचा रहा है, बहुत शोर मचा रहा है. मैं कह रहा हूँ hey, somebody, कोई शोर मचा रहा है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ. अब मैं किससे कह रहा हूँ तो पहले मैं कैसे बोलूंगा? कोई शोर मचा रहा है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ. I'm getting some disturbance, so I'm not getting you. Okay. अगर ये बच्चा शोर ना मचा रहा होता, मैं तुमसे एक घंटा फोन पे बात करता. I'm sorry, मैं फोन काट रहा हूँ. टक. अब? अगर ये बच्चा शोर ना मचा रहा होता, तो मैं एक घंटा तुमसे फोन पे बात करता. If this boy has not been disturbing, had not been. सोचिए, सोचिए, guys, सोचिए.
कोई भी सोच सकता है। अभी मैं प्रेजेंट में बैठा हूँ, अभी शोर मचा रहा है, ये आंखों के सामने शोर मचा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ यार तू शोर मचा रहा है, अगर शोर ना मचा रहा होता ना मैं तुमसे यार फोन पे बात करता एक घंटे के लिए। अब इफ दिस बॉय वर नॉट शाउटिंग आई वुड टॉक टू यू। इफ दिस बॉय वर नॉट मेकिंग अ नॉइज आई वुड टॉक टू यू फॉर एन आवर। ऐसे होता है। ओके फाइन। अरे चिंटू की अम्मा जरा 100 रुपए देना। हे चिंटू मदर गिव मी 100 रुपीज। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी। झूठ मत बोलो यार, 100 रुपए दो ना प्लीज। डोंट टेलिंग मी लाई, गिव मी 100 रुपीज। डोंट टेलिंग मी लाई। Don't tell a lie to me. Yeah, don't lie to me भी चलेगा। Don't lie to me. ये भी चलेगा। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो मैं देती ना बाबा। अब I'm not tell a lie. I'm not if telling, भाई telling. Okay, I'm not telling lie. If I had 100 rupees, I would have given you. देखो यहाँ would have given कह भी सकते हैं। I would give you. If I had 100 rupees, I would give you.